डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ना, याद करो मैं शायद दो वेक्टर कंसीडर करा था, याद है ना? मैंने वेक्टर एक कंसीडर करा था, एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर कौन सा कंसीडर करा था, बी। अगर मैं बात करूं तो ये जो नोटेशन यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए नोटेशन यूज करते हैं? दैट स्टैंड फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, गुड। एंड व्हाट अबाउट दैट? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, जब थीटा कंसीडर करते हो तो थीटा क्या होता है, याद करो? एंगल बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर्स, कौन सा यहाँ पे? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा हमेशा याद करो किसके बीच लाई करता है बाबू? 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच ना। एंगल डिसाइड करते हुए क्या बात ध्यान रखते थे कि याद रखना दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर का टेल कॉइंसाइड करे और वेक्टर डाइवर्स कर रहे होता था, याद रखना। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे ये क्या था आपका वेक्टर, ये वेक्टर क्या है बी, कोई बात नहीं। इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके बीच का एंगल क्या है थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट करते हैं ना, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ए ए डॉट बी। वेक्टर ए को किसके साथ डॉट करा गया है? बी के साथ, याद होगा। ये किसके बराबर आया था? ए बी कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अच्छा, ए जो था एक पूरा, अगर बात करोगे तो ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा भी क्या है, एक नंबर है ना, तो पूरा एक रियल नंबर आता है। क्या आता है? एक रियल नंबर। और है कैसा क्वांटिटी, याद रखिए कि स्केलर ही ना आएगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं ये भी बताया था कि अगर ए डॉट बी लिख रहे हो, अगर बी डॉट ए लिख रहे हो तो क्या होगा, तो बी डॉट ए में भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहले बी लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, फिर क्या करते हैं आपको कॉस थीटा। तो ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बताइए, कभी ऐसा दे दिया समझाने के लिए, केवल कोई एक वेक्टर है, इधर का मैग्नीट्यूड मान लेता हूं 8 यूनिट, कितना यूनिट है? वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? 8 यूनिट। और दूसरा वेक्टर है, उसका वेक्टर बी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 यूनिट। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर हो सकता है, ये फोर्स है, वेक्टर है, कोई फोर्स है, वो 8 न्यूटन है और वो क्या है? 10 न्यूटन। उसके बीच का एंगल दे दिया है 53 डिग्री, कितना एंगल दे दिया बाबू? 53 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी आप निकालो, आप बताओ ए डॉट बी निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? यही तीन चीज की दरकार है ना जी। यू हैव टू स्पेसिफाई 3 थिंग्स एंड व्हाट आर दोज? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम। तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट बोला हूं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना बोला हूं मैं? 10 यूनिट बोला हूं। तो आप आराम से पुट कर सकते हो ना, ए बी कॉस थीटा ही ना, बताइए ए कितना? 8। कोई प्रॉब्लम। बी कितना बाबू? 10। वेरी गुड। और कॉस का कौन सा वैल्यू? 53 डिग्री, याद है ना? कॉस 53 का वैल्यू याद है आप लोगों को? 8 × 10 कितना बाबू? 3/5, ये कितना होगा? 48 यूनिट, इसमें कोई शक नहीं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एग्जांपल कोई दूसरा लेता हूं, मैं मान लेता हूं कोई एक फोर्स है ऐसी, लेते हैं क्या है 20 यूनिट का फोर्स है, ये वेक्टर हमने एक कंसीडर करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक मैं मान लेता हूं ऐसे समझाने के लिए, ऐसे है दूसरा वेक्टर है बी, ये कौन सा वेक्टर है? बी। थोड़ा रिलेटिवली से इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, ये मान लेता हूं 24 यूनिट है, कितना है बाबू? 24 यूनिट। और दिया हुआ है एंगल कितना दिया हुआ, मान लेते हैं ऐसा 60 डिग्री दिया हुआ। अब आपको निकालना है तो क्या करोगे आप यहाँ पे? ए डॉट बी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी या बी डॉट ए, जो भी पूछा जाए एक ही चीज होता है, कम्यूटेटिव लोग फॉलो करता है, मैं पढ़ाया भी तुम लोग को। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या है? बराबर ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ए डॉट बी के लिए क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड बाबू कितना 24, सॉरी क्या लिया है, वेक्टर बी है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 20, अरे यही नहीं पढ़े हो, इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना 24। अब मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितना एंगल दिख रहा है आपको 120 डिग्री ना, 60 डिग्री नहीं ना, क्योंकि एंगल पूछा गया है। तो अगर इसको क्या करोगे आप, सिर्फ याद करो दोनों टेल को क्या होना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए, इसका टेल कॉन्साइड करा, रे क्या है डाइवर्ज होना चाहिए ना, रेज कैसे होना चाहिए, डाइवर्ज कर रहा है, देख रहे हो ना, ये एरो है, देखो ए वेक्टर इधर जा रहा है, वेक्टर इधर जा रहा है, तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स विल बी दैट, ए 60 डिग्री, तो ये कितना 120 डिग्री, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पढ़े है ना, ये दोनों का सम 180 होता है ना, तो 60 तो ये कितना 120 डिग्री, तो क्या पुट कीजिएगा बताइए, ए 20 इंटू क्या 24 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, याद करो कॉस ऑफ पढ़ाया गया है ना, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, माइनस कॉस थीटा होता है क्या, पढ़ाया हूं मैं, गुड। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू 24 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री को लिख सकते, 120 डिग्री को लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो क्या हो गया 20 इंटू व्हाट 24 इंटू कॉस 60 डिग्री, किसके साथ आएगा माइनस के साथ, बात समझ रहे हो, तो बताइए कितना हो गया, बोली कॉस 60 का वैल्यू कितना जी, कॉस 60 का 1/2 ना, तो 240 हो गया क्या, तो -240 यूनिट, मतलब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, समझ आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर बात करा जाए क्या है, ए वेक्टर ए आप रखे हो ना, और इधर कौन सा वेक्टर है, बी, फर्स्ट समझना अच्छे से, अगर एक इसके बीच का एंगल थीटा है तो वाकई में डॉट प्रोडक्ट दे क्या रहा है, आप सोचिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी, तो कंपोनेंट रिजोल्यूशन तो पढ़े हैं ना आप लोग, याद करो तो वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़े हैं ना, वेक्टर को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट्स में ना, तो इसका बी का दो कंपोनेंट होगा, एक स्केलर कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा बताइए, तो ए वाला कौन सा हो जाएगा, बी कॉस थीटा होगा क्या, ये क्या है बी कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम, या फिर आप सोचो अगर मैं मान लेता हूँ ऐसे ही वेक्टर ए, कोई दिक्कत नहीं, और यहां पे कोई एक वेक्टर बी है, क्या है वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो इसका भी तो कंपोनेंट ले सकते हो उधर जी, क्योंकि इसका लेंथ लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है वही ना मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए है और एक कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, इसका अगर कंपोनेंट का रिजोल्यूशन लोगे तो क्या होगा बताइए, समझ रहे हो ना, इसको रिजोल्व करोगे तो यही ना जाएगा, इधर जाएगा कुछ, कैसे करोगे, देखो यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालते थे, तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे ना, अरे याद रहेगा नहीं, हमेशा याद रखना है, ऐसे नहीं कि कंफ्यूज होना है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालते थे ना जी, तो यहां से इस पर भी किस पे, बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये कॉस थीटा होगा क्या, बताइए बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए है कि नहीं, बी कॉस थीटा क्या है, दिस इज व्हाट कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, इज इट, एंड व्हाट अबाउट बी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, समझ रहे हो ना, तो डॉट प्रोडक्ट जो लिखते हो आप कभी भी याद रखना, डॉट प्रोडक्ट जो लिख रहे हो ए डॉट बी वो है क्या वाकई में, ए डॉट बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं जी, बताइए ए इंटू क्या बी कॉस थीटा, मतलब क्या है, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, इज इट राइट और नॉट, क्लियर, या फिर प्रोजेक्शन के टर्म में भी बोल सकते हो, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, दिस इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए,
याद रहेगा नहीं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं कहीं आप एंगल अगर नहीं पता चल पा रहा है तो आप डायरेक्ट क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो, उसका स्केलर प्रोडक्ट कर लो। स्केलर प्रोडक्ट है ना, अरे स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया है, प्रोडक्ट भी नहीं बोल सकते, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बोलते तो मीनिंग ही हो गया वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया ना। तो याद रखना क्या रहा, ए डॉट बी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज व्हाट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। बी कॉस थीटा इज व्हाट, बी कॉस थीटा इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या फिर बोल सकते कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। याद रहेगा ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका किसका जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू व्हाट, बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ कौन सा, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। बात समझ में आता है, अच्छा यहां पे अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, ए डॉट बी लिख रहे हैं आप तो ए डॉट बी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ही, बी इंटू व्हाट, ए कॉस थीटा। बताइए बी क्या है यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड दिस इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। कोई प्रॉब्लम है बाबू, ये समझ आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, पहला बात समझ आया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत है, फर्स्ट नोट एकदम अच्छे से याद रखना है ना, समझिए फिर मैं बात करता हूँ, रुक जाओ। अगर कभी इस तरह का फेमस क्वेश्चन होता है आप लोग का, इसको थोड़ा समझिए अच्छे से, बोल देता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब बताइए कंपोनेंट, ए वेक्टर कौन सा है, बी है, ए वेक्टर कौन सा है जी, ए, इसका कंपोनेंट पूछा है, इसके बीच का एंगल थीटा, पढ़े हो इसलिए मैं अभी तुरंत खत्म ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझना अच्छे से बताओ। तो जरा इसका अगर बात करें वेक्टर बी का, इसका मैग्नीट्यूड बी हम लोग नोटेट करते ही हैं, रिप्रेजेंट करते ही हैं, और इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका प्रोजेक्शन किसके अलोंग, इसके अलोंग, ए जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ए ए कॉस थीटा क्या है, दैट इज व्हाट, स्केलर कंपोनेंट भी बोल सकते हो, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अगर कोई बोले आपसे स्केलर कंपोनेंट ऑफ, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्या हो जाएगा, आप बताइए खुद से, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है, अरे देख लो कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं होना चाहिए, आई होप सो। अब याद रखना अगर a cos थीटा लिखे हो आप, तो a cos थीटा आप पढ़े हो, जैसे देखो बताओ अभी जस्ट पढ़े हो ना, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा होता है क्या, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा होता है, अरे होता है, तो cos थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसा क्या, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन ab लिख सकते हो, बताइए ऐसे ही ना है, इसमें कोई दिक्कत है हम लोग, याद आ रहा है, अगर a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा है तो cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन ab तो लिख सकते हैं ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब बताओ जरा यहां पे a स्केलर है या वेक्टर है, ये टर्म जो है पूरा स्केलर है या वेक्टर है, अरे पूरा स्केलर ना है, a डॉट b स्केलर क्वांटिटी ना है जी, a डॉट b मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर और मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही है, तो पूरा टर्म स्केलर रहा, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, पूरा स्केलर ही ना है, और यहां पे भी लिखा है स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। अब बताओ ए ए कैंसिल होगा क्या, ए कैंसिल होगा, तो अगर ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा, बताइए ए डॉट
बी अपॉन बी हुआ, कोई दिक्कत है? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी अपॉन बी, कोई दिक्कत है क्या? याद करो तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग बी है ना, तो याद रखना क्या हो गया ये, यूनिट वेक्टर अलोंग बी, तो ए डॉट बी कैप लिख सकते हैं डायरेक्ट की नहीं, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें बोलो, अरे कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, समझा हुआ है ना? अच्छा, अगर बोलता आपसे, बोल देता है स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, अगर बोल देता आपसे, वो तो मैं लिखा ही नहीं, याद रहा ना ये, समझ आया आप लोग को? अगर आपको यहीं पे बोल दे स्केलर कंपोनेंट, याद रखना मैं बता रहा हूँ स्केलर कंपोनेंट बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे बोल दे स्केलर कंपोनेंट ऑफ, स्केलर कंपोनेंट ऑफ कौन सा वेक्टर बाबू, वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए, गौर करो यहां ये क्या था, यहां पे जो बात की हुई थी वो एलोंग बी था ना, तो एलोंग बी था तो किसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिया थे हम लोग जी, बी के अलोंग, यहाँ स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी निकालना है किसके अलोंग, एलोंग ए, एलोंग ए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम लोग, क्या हो जाएगा बताइए, बी डॉट वेक्टर बी डॉट ए कैप होगा, समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है, क्या रहेगा? तो दो चीज कॉपी कीजिए फिर बात करता हूँ मैं, अगर आप यहीं पे सोचे, अगर आपको बोल ही देता वेक्टर ही कंपोनेंट बता दीजिए, क्या बताइए, वेक्टर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ क्या लिखे हैं, पहला ए अलोंग बी, ए अलोंग बी, इसमें कुछ सोचने की दरकार है? अरे बहुत सिंपल सा चीज था ना, अभी जस्ट पढ़े हो ना, ए था इधर, क्या वेक्टर बी कंसीडर करे हो ना, इधर कौन सा वेक्टर कंसीडर करे हो जी आप, इसका अगर स्केलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो आपका यही ना है जी, एक कॉस थीटा ही ना है, आपको वेक्टर कंपोनेंट बोला है किसके अलोंग, बी के अलोंग, तो जिसके अलोंग बोला गया उसके अलोंग फिर से यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो जाएगा, तो क्या होगा, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्टेड अलोंग बी, दैट इज व्हाट, बी कैप वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो अगर वेक्टर कंपोनेंट बोला जाए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो आपका पहले क्या है बताइए, वहां पे ए डॉट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, उसी के अलोंग यूनिट वेक्टर जी, ए डॉट बी कैप, इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट वेक्टर बी कैप से, हो गया था? तो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला है एक, ये ऐसे दे करके ना कुछ दूसरे फॉर्मेट में दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, देखो ए डॉट बी को अगर लिख सकते हैं तो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं आप, ए पूरा अंदर वाला स्केलर नंबर ना है, अरे ए वाला स्केलर ना है, तो स्केलर का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, बी वेक्टर है लेकिन ये क्या है स्केलर, तो बी को इतना टाइम से मल्टीप्लाई करा गया है ना, तो ए डॉट बी कैप को लिख सकते, ए डॉट बी अपॉन बी लिखा हुआ है कि नहीं ये, अरे यही ना है, ऐसे करोगे तो वही ना बचा है, वही चीज ना है, और इसको क्या करा गया, पूरे को बताइए, पूरे को क्या लिया गया है बी कैप, तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन बी होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है? तो आप बताइए जरा, ए डॉट बी स्केलर नंबर ना है, तो इसको ए डॉट बी लिखिए, क्या लिखिएगा बताइए, ए डॉट बी स्केलर नंबर, इसको किससे मल्टीप्लाई, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या बी स्क्वायर में हो गया, तो अब यही एक्सप्रेशन ही ऑप्शन में दे देता है, तो आप ए एक्सप्रेशन याद नहीं रख पाइएगा, देखो ए ए डॉट बी स्केलर नंबर, बी स्क्वायर स्केलर, तो बी वेक्टर के लोग डायरेक्ट नहीं हो गया कंपोनेंट, बात समझ है, टफ है क्या? अच्छा, अगर ऐसे ही इसमें बोलता आपको स्केलर कंपोनेंट, ध्यान देना जरा, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए, इसको समझना इसलिए क्वेश्चन किया जाता है, या प्रोजेक्शन भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है एग्जाम में, आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप बताइए स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग ए, आपका बताइए जरा, यह क्या था आपका, यही ना वेक्टर बी है जी आपका,
और ये वेक्टर क्या है आपका, ये है। तो अब इससे क्या आप यही ना करे हो, यहां से क्या करे हो, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो ना, यही ना प्रोजेक्शन बना है। ए बताइए, यहां अगर ये थीटा था तो ए वाला कितना था बताइए, बी कॉस थीटा, अरे था बाबू। तो अगर बात करोगे तो हम लोग को इसके अलोंग चाहिए, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो लिख चुके थे ना हम लोग, वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं शायद, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर कंपोनेंट। तो इसके अलोंग बी के अलोंग ए के अलोंग निकालना, तो ए के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, ए कैप, दैट इज वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड और नॉट, एम आई राइट। तो आप लिख सकते हैं ना बाबू, बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए, बी कॉस थीटा इंटू बी कैप, सॉरी ए कैप ना, इंटू ए कैप। और पहले भी ये बताया हुआ ही है, बी कॉस थीटा क्या आता है पता ही आपको, बी हो गया, बी कॉस थीटा क्या है पता ही है ना आप लोगों को, बताइए यही है ना, कॉस थीटा, बताइए कॉस थीटा किसके बराबर है, ए डॉट बी अपॉन ए बी, अरे है ना। तो आप क्या लिखिएगा यहां पे बताइए, ए डॉट बी अपॉन ए बी, है ना, और यहां पे बी पहले से है, ये पूरा ऐसे है ना, इंटू क्या ए कैप, ये बी बी कटा होगा ना, बी बी कटा होगा। तो अब क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन में क्या लिखेगा, यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, ए है, और इधर ए कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप देखो ये क्या आ जाएगा बताइए, ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कौन सा कैप बताइए, ए वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, रहा या नहीं रहा, नहीं समझ आया, रटना पड़ा, लेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इस पे लेंगे, समझ आया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कॉपी की। तो आप जैसे ही देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था, क्या आ जाना चाहिए, देखिए एकदम इधर मत देखो, कुछ मत देखो, क्या बोला गया, कौन सा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या लिख रहे हो, वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट तो वही रहेगा, कम्यूटेटिव रूल तो फॉलो करता ही है, अलोंग ए बोला, क्या बोला, अलोंग ए, तो आप क्या किए हो, ए अपॉन ए स्क्वायर ये तो रहेगा ही ना, बोला गया अलोंग बी, तो क्या लिखोगे, वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर, ए डॉट बी तो है ही ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी तो इसमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब वेक्टर पोजिशन, मतलब ए वेक्टर पोजिशन वेक्टर के टर्म में दिया रहेगा तो दिक्कत होगा आपको, डायरेक्ट बोल देगा वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और वेक्टर बी बोल दिया फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, या फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, फेमस क्वेश्चन है आप लोग का एग्जाम का, तो इसको अच्छे से समझिएगा जरूर, ये समझाने का चीज था, इसको अच्छे से समझना है, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट में रखा ही क्या, इसका मतलब पता चल गया आप लोग को, स्केलर कंपोनेंट जब भी लिखना है, अगर स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, किसके अलोंग निकालना है, बी के अलोंग, कोई बात नहीं, वेक्टर ए को किससे डॉट करोगे, वेक्टर इज मेड टू डॉट विथ व्हाट, यूनिट वेक्टर बी, इज इट, हो गया ना। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, किसके अलोंग पूछा है जी, बी के अलोंग, किसके अलोंग पूछा है, बी के अलोंग, कोई बात नहीं, बहुत इजी चीज है, बी के अलोंग पूछा है, तो पहले ही मैं बता रखा हूं आपको कि वेक्टर बी अपॉन क्या, बी स्क्वायर, और यहां तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का लेना ही है ना, ये तो स्केलर नंबर ना है, ये पूरा क्या है, स्केलर, ठीक है ना, कटने का जरूरत है, समझ आ गया तो याद रह जाएगा ना। अच्छा, सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं आगे, अगर बोलता स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो बी डॉट ए कैप, अच्छा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए पूछता तो क्या करते, ये तो यही रहता ना, यहाँ वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर होता कि नहीं, साफ है क्या, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, आपको प्रोजेक्शन के टर्म में भी पूछ सकता है, ये दिख रहा है ना, प्रोजेक्शन के टर्म में भी पूछा जा सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, समझ आ रहा, तो ऑप्शन देखना उसके अनुसार करना ना, अगर वेक्टर में ऑप्शन दिया होगा तो इसके साथ जाएंगे, स्केलर में दिया होगा तो इसके साथ जाएंगे, ये बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, याद रखना,
बी कैप इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्टली लाऊं वेक्टर बी, ये सब पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग में से कितने लोग सोच पाते हैं, ध्यान देना जरा। थर्ड, मैं चाहता हूं जस्ट यू हैव टू फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। स्केलर प्रोडक्ट में बहुत सारे छोटा बड़ा बात तो किए ही होंगे, ये सब पढ़े हो टेंथ से और पहले भी लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। मैं थोड़ा कुछ अलग समझाना चाह रहा हूँ ना, जो पूछा जाता है आप लोग एग्जाम में, ठीक है। अब बताओ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी तो निकाल चुके हो ना, आपको निकालना वेक्टर ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। आप पिक्चर देखो, पिक्चर से क्लियर होगा। जैसे देखो ये आपका कौन सा वेक्टर है बाबू, वेक्टर ए है, ठीक है, कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए, और इधर कौन सा वेक्टर है बी। केवल समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो आप बताओ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी तो निकाले हो ना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी ये क्या करे, याद है आप लोग को, यही ना परपेंडिकुलर डालते थे, इससे याद करो, यहाँ पे ए परपेंडिकुलर डालते थे, ए वाला जो आया है ये क्या आया है बताइए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ व्हाट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, बताइए क्या है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी क्या है, याद है ना एलोंग बी पूछा गया है, ए डॉट बी तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक है नहीं, इनटू व्हाट, वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर। अरे है, कोई दिक्कत है। अब इससे परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब इससे परपेंडिकुलर का मतलब इससे, इससे कितना एंगल 90 डिग्री बना करके ऐसे निकल रहा है, इसके लिए निकाल ले, कोई प्रॉब्लम। आप किसको रिजॉल्व किए हो जी, वेक्टर ए को ही ना रिजॉल्व किए हो इधर, तो वेक्टर ए को इधर रिजॉल्व नहीं करोगे, तो रिजॉल्व करने के बारे में अगर चर्चा चलता है तो याद करो वेक्टर का दो कंपोनेंट रिजोल्यूशन सिखलाया क्यों नहीं, रिजल्टेंट को ही ना रिजॉल्व करते थे जी, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो याद करो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यही ना आएगा, और ए जो होगा, ए जो वेक्टर मान लेते हो, कोई भी मंगरा वेक्टर मान लेते हैं या फलना वेक्टर है जो भी है, डमरू वेक्टर, डमरू वेक्टर प्लस दैट वेक्टर इक्वल टू दैट वेक्टर और नॉट। वेक्टर एडिशन पढ़े हैं आप लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया हूँ, बहुत सारा ट्रायंगल लॉ, पॉलीगोन लॉ सब पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है कि नहीं। अरे वेक्टर ए वेक्टर को ही ना ए को ऐड करते थे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो अब इस वेक्टर को मान लेता हूँ, कोई वेक्टर कौन सा मान लूँ, रिक्वायर्ड वेक्टर है मान लेता हूँ, पी वेक्टर बोल देता हूँ, कौन सा वेक्टर है, पी वेक्टर। तो बताइए ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए है ना, तो बताइए वेक्टर ए किसके बराबर, वेक्टर ए किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू दिस वेक्टर ए डॉट बी, बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस वेक्टर पी। पी इज व्हाट, पी इज व्हाट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, एम आई राइट और नॉट। नाउ फर्दर यू कैन डू इट योरसेल्फ और नॉट, वेक्टर पी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी, वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर, इसको ऐसे कर दो ना, वेक्टर पी है, वेक्टर पी निकाल रहे हैं ना, तो वेक्टर पी इक्वल टू ए माइनस दैट होगा कि नहीं, वेक्टर पी इक्वल टू ए माइनस दैट वेक्टर, तो निकल गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। समझ नहीं आया, थोड़ा सा नहीं समझ आया ना, रोले बाबू, याद करो पढ़ा हो ना, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, याद है यही ना, तो ए वेक्टर अगर ए होता था और ए वेक्टर बी होता था, समझाने के लिए, तो इसका रिजल्टेंट जो होता था याद करो यही ना होता था आर, तो आर वेक्टर क्या होता था, याद कीजिए आर वेक्टर को नहीं पढ़े आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यही ना रिजल्टेंट पढ़ाया हूँ, पॉलीगोन लॉ, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर। नहीं समझ आया, इस बोर्ड को उलट दो,
वेक्टर पी प्लस वेक्टर दैट इक्वल्स टू वेक्टर ए और नॉट। अभी भी नहीं समझ आया? आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आप लेट से क्लास शुरू किए हैं ना। इन लोग दोनों, तुम लोग दोनों को दिक्कत नहीं है रे? अब देखो, अगर आपसे खुद बोले तो आप ओरली लिख लोगे कि नहीं? ओरली लिख लोगे आप लोग ना? बताइए तो जरा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। देखो उधर देखने की जरूरत है क्या? किसके अलोंग पूछा है बाबू? किसको रिजोल्व किए हो? बी को। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर वो क्या होगा? डायरेक्ट लिख देंगे ना आप, सॉरी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए ना अब लिखना है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, आप लिख लोगे ना रिक्वायर्ड वेक्टर? किसको रिजोल्व किए हो आप बताइए? वेक्टर ए को रिजोल्व किए हो, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, तो बी को ही ना रिजोल्व किए हो। तो आप क्या लिखिएगा? जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा आप आराम से लिख सकते हैं ना, किसको रिजोल्व किए हो? वहां पे किसको रिजोल्व किए थे आप? ए को। यहाँ बी को रिजोल्व किए, तो बी माइनस, अब बताओ ए लिखे थे तो किसके अलोंग यूनिट वेक्टर था? बी के अलोंग ना जी, तो यहाँ लिख लीजिए ए तो ए डॉट बी ही रहा ऐसे, ये क्या लिखोगे? वाह, याद करो ए यूनिट वेक्टर है ना, ए सिस्टम है, ए हम लोग क्या माने हैं? थ्री डी सिस्टम का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, क्या वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ऑल दीज थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट इज ऑलरेडी नोन टू यू। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। ऑब्वियस ही बात है, ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, सो देयर मैग्नीट्यूड इज व्हाट? वन। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए अगर मैं बात करूं एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप क्या होगा बाबू? आई कैप और आई कैप के बीच एंगल कितना? आई कैप के बीच एंगल कितना? जीरो डिग्री। अच्छा अगर मैं बोलूं एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप और आई कैप एंड के कैप कितना हो जाएगा जी? आई कैप और के, आई कैप और के कैप बोले तो इसके बीच 90 डिग्री ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप लोगों को जस्ट पढ़ाया गया था आप लोगों को ए डॉट बी किसके बराबर? ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू व्हाट? कॉस थीटा मल्टीक्लिप, कौन सा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी एंड कॉस थीटा पढ़ाया, थीटा किसके बीच का एंगल है? ऑब्वियस है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच। अच्छा अब बताइए आई कैप और आई कैप का अगर बात करा जाए, आई कैप मैं पूछू आई कैप क्या हो जाएगा? तो याद कीजिए आई कैप वन इंटू कॉस जीरो डिग्री, तो कितना हो जाएगा? वन ना, वन इंटू कॉस जीरो वन। लिखने का जरूरत है क्या? एक लिखना पड़ेगा लगता है। देखो आई का, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? वन। आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? वन, और दोनों के बीच एंगल जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो डिग्री। वन इंटू कॉस जीरो का वन वैल्यू ना, वन इंटू वन इक्वल टू व्हाट? वन। कोई प्रॉब्लम? अगर जे कैप डॉट जे कैप करे तो वही वन इंटू व्हाट? कॉस जीरो डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा बाबू? वन। सिमिलरली के डॉट के भी क्या रहेगा? वन। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है। अच्छा अगर आपसे बोला जाए ऐसे आई डॉट जे कैप, आई डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, तो क्या हो जाता? वन इंटू वन, आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री ना, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू जीरो ना, तो जीरो। आई डॉट जे हो गया, जे डॉट के कितना? जीरो। सिमिलरली और के डॉट आई कितना बाबू? जीरो। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना बात तो तय रहा ना जी, इतना बात तो तय रहा आपके लिए कि i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू व्हाट? k डॉट k, सबका वैल्यू कितना रहा? वन। और बाद बाकी जो भी होगा वो क्या होगा? जीरो। मतलब जैसे अगर कोई बोल दे i डॉट j या j डॉट k या फिर k डॉट i,
कभी आ सकता है, आई डॉट के भी तो आ सकता है, के डॉट जे भी तो आ सकता है, जे डॉट आई भी तो आ सकता है, सब क्या होगा क्यों, क्योंकि एंगल उनके बीच कितना है 90 डिग्री, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बात समझ में आया, ध्यान से देखना, आप ही लोग के लिए बताया जा रहा है ना। अच्छा अब बताइए जरा, हम लोग सपोज कंसीडर करते दो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर स्केलर कंपोनेंट्स, ओशन वेक्टर के टर्म में कंसीडर कर लेते हैं, तो वेक्टर ए किसके बराबर है बताओ, वेक्टर ए ए वन आई कैप प्लस व्हाट ए टू जे कैप प्लस व्हाट ए थ्री के कैप, और वेक्टर बी क्या है बी वन आई कैप प्लस व्हाट बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तुम लोग केवल दो मिनट रुक जाओ, बस हो जाता है, क्लियर ना। अगर ऐसा रहा तो आप ए डॉट बी अगर निकालिएगा, ए डॉट बी तो ऐसे ही लिखोगे ना, ए वन आई कैप प्लस व्हाट ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप इज मेड टू डॉट विथ व्हाट बी वन आई कैप प्लस व्हाट बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो ना। गुड, अगर इसका डॉट करोगे जैसे ऐसे लिखते तो क्या लिखते, ए वन आई इट इज देखो वेक्टर है इसे डॉट बी वन आई लिखते कि नहीं, ऐसे लिखते, फिर ऐसे ही ए वन आई प्लस लिखते ना ए वन आई मेड टू डॉट विथ व्हाट बी टू जे होता ना, फिर ए ऐसे लिखते प्लस ए वन आई इंटू बी थ्री के। अब मैं लिखूंगा नहीं आगे, समझ रहे हो ना। तो अगर आप ऐसे कीजिएगा तो i डॉट i वाला रह जाएगा, लेकिन i डॉट j वाला j i डॉट k वाला जीरो, क्योंकि पढ़ा हुआ है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर इसके साथ भी जाइएगा तो वही ना होगा, आगे अगर चलते चले जाइएगा, मैं छोड़ रहा हूँ टर्म, तो जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, अरे यही ना आएगा। मतलब आज के बाद जब भी स्केलर कंपोनेंट्स अगर आए तो कुछ भी नहीं ध्यान देना है, केवल वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट्स क्या है ए वन ए टू ए थ्री, वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट्स क्या है बी वन बी टू बी थ्री, केवल स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है, लेकिन आई वाला को आई में, जे वाला को जे में, और के वाला को के में, ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, यही काम करेंगे, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक दो बात बताता हूँ, समझिएगा जरा। जैसे अगर कोई बोल देगा कि बताइए वेक्टर ए जो है वो है आपका थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, इट इज मेड टू डॉट विथ वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इज फाइव आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस सिक्स के कैप। आपसे बोलूँ तो आप तो बोल लोगे ना, वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट्स थ्री माइनस फोर और फाइव, वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट्स थ्री माइनस फोर कोमा फाइव, वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट्स फाइव कोमा माइनस टू और माइनस सिक्स, फाइव कोमा टू कोमा माइनस सिक्स। तो अगर ए डॉट बी लिखना है तो आप उतना नहीं करोगे, आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, थ्री इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव प्लस क्या हो जाएगा जी बाबू, माइनस फोर इंटू टू प्लस फाइव इंटू माइनस सिक्स, अब तो आता है ना, थ्री फाइव कितना फिफ्टीन, माइनस फोर इंटू टू एट माइनस थर्टी, कोई प्रॉब्लम, कितना हो गया बाबू माइनस ट्वेंटी एट हो रहा है क्या, माइनस ट्वेंटी थ्री नेगेटिव आया, तो क्या हो माइनस ट्वेंटी थ्री, ये क्या रहा स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर पोजिशन वेक्टर के टर्म में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये आता है आप लोग को, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एलोंग वेक्टर बी, एलोंग वेक्टर बी थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एलोंग वेक्टर बी थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए
along vector b, along vector b. थर्ड लिखो, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. कोई प्रॉब्लम? देखो फर्स्ट बोला है, क्या पूछा है? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along vector b. कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या करना है? याद है ना, along b vector a is made to dot with unit vector along b. Is it complete ना? अगर इसको आगे बढ़ोगे तो क्या लिखोगे बताइए? ऐसे लिख सकते हैं ना, आप पढ़ा हुआ है आप लोग का ना, a dot b upon vector b, a dot b upon magnitude of vector b. अब बताओ a dot b करने आता है ना? देखो अगर कभी दिक्कत होता है तो देखो, 2i cap plus 3j cap plus इसको क्या करोगे? 0 k cap. कोई दिक्कत? तो a dot b लिख सकते हैं आराम से ना, बताइए. 2 into 3, 6. 3 into 4, plus 12. 0 into 5, 0. कोई प्रॉब्लम? अपॉन में वेक्टर b बताइए. वेक्टर b बताइए. वेक्टर b यही ना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो क्या हो गया बाबू? 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट? 50. तो क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 5 रूट 2 यूनिट. एम आई राइट और नॉट? इज दिस स्केलर और नॉट? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी बोले या फिर और स्केलर कंपोनेंट बोले, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बोथ आर सिमिलर. इज इट? बोथ आर सिमिलर. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी बोले या स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी बोले, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, अब बोला आ जाए आपको वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बताना है. वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, एक तो डायरेक्ट भी बताया गया आप लोगों को, एक तो डायरेक्ट भी बताया गया, और अगर डायरेक्ट नहीं बताना है तो इससे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे तीनों क्वेश्चन आपको थोड़े देने वाला है कि साथ ऑब्जेक्टिव डील करोगे तो एक ही क्वेश्चन ना पूछेगा. तो किसके अलोंग निकालना है? अलोंग बी. तो क्या करोगे? ए डॉट बी, क्या करना है? बी के अलोंग, बी अपॉन बी स्क्वायर ही नहीं लिखते हैं, याद आया कि नहीं? क्योंकि जब भी क्वेश्चन बोलोगे सर इसी में यूनिट वेक्टर लगा देंगे, नो डाउट, लेकिन आपको तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो ऐसा तो सिक्वेंस में नहीं पूछेगा ना जी, आपको एक सिंगल सोचना है, सिंगल थॉट देना है इसको. बताओ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो यही लिखो अलोंग बी, तो यही लिखा जाता है ना जी, ए डॉट बी अपॉन बी अपॉन बी स्क्वायर. इज इट? अब बताओ ए डॉट बी किया हुआ है आपका ना, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 18. गुड. वेक्टर बी पता है आपको ना, क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 50 ना, 150 का होल स्क्वायर कीजिएगा ना, 54 का लगता है. नहीं समझ आया? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? गुड. अब आगे क्या बोला है? थर्ड मैं यहां लिख देता हूं. थर्ड क्या बोला है बाबू? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी, सॉरी परपेंडिकुलर ना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. बताइए, बताया गया है ना, किसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं आप लोग? ए का. किसके अलोंग? तो क्या होगा? ए माइनस, याद है ना, ए लिखते हैं ना, ए डॉट बी, बी अपॉन बी स्क्वायर. याद आया? याद नहीं आया? अब निकाल सकते हो ना. वेक्टर ए कितना है बाबू बताइए? वेक्टर ए कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस जो निकाले हैं आप, a डॉट b निकाला हुआ है आपका कितना? 18. इसको लिख दूं, 54i कैप प्लस 72j कैप प्लस 90k कैप, है ना, अपॉन b स्क्वायर 50. फर्दर यू कैन डू इट योरसेल्फ और नॉट, शुड आई डू इट? दैट विल बी व्हाट? 100 i cap plus
150 जे कैप माइनस 54 आई कैप माइनस 72 जे कैप माइनस 90 के कैप अपॉन 50 आता है ना। आई कैप को आई कैप में, जे कैप को जे कैप में, और के कैप को के कैप में ऐड सब्ट्रैक्शन जो करना है कर लो, यही ना आंसर हो जाएगा नोट्स 4। ध्यान देना जरा आप लोग ना अच्छे से देखो, ए डॉट बी किसके बराबर पढ़े हैं बाबू, याद कीजिए। ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा, तो आप बताइए कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बाबू, ए डॉट बी अपॉन ए बी होगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब भी आपको किसी दो वेक्टर के बीच एंगल पूछे, कभी भी किसी दो वेक्टर के बीच एंगल पूछे आपका, तो आप क्या बोलोगे, जस्ट उसका डॉट प्रोडक्ट लेना। क्या लेना, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना। तो आप खुद ब खुद बता सकते हैं यहाँ पे, कभी भी मैं बोल रहा हूं, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जस्ट यू हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर्स। गॉट इट, किसके साथ जाओगे, डॉट प्रोडक्ट के साथ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आप बताओ जरा, अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा लिखे हो, तो ए बी तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, लेकिन कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर किस पे डिपेंड कर रहा है ए डॉट बी, कॉस थीटा पे ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर समझना जरा, यहां पे कॉस थीटा अगर पॉजिटिव रहा, इफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव, इफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव, ए डॉट बी इज व्हाट पॉजिटिव, ए डॉट बी इज व्हाट पॉजिटिव, या फिर लिख देता हूं ऐसे लिख देता हूं पॉजिटिव। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा किसमें होता है, थीटा कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जीरो डिग्री से, जीरो याद रखना, जीरो न्यूट्रल इंटीजर होता है, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। तो याद रखना कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, थीटा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देख रहे हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए थीटा, समझ रहे हो, कहाँ से कहाँ, जीरो डिग्री से 90 डिग्री, यहीं पे आना चाहिए वो, समझ रहे हो ना। थीटा किसके बीच लाई करना चाहिए, जीरो डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, कोई प्रॉब्लम। अच्छा इफ कॉस थीटा अगर जीरो हुआ, इफ कॉस थीटा जीरो मतलब थीटा कितना 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा इसका मतलब क्या, ए डॉट बी क्या हो जाएगा जी, जीरो होगा कि नहीं, ए डॉट बी क्या होगा जीरो। तो कभी भी अगर बोल दे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा जीरो, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अगर ऐसा रहा, इफ कॉस थीटा इज व्हाट नेगेटिव, कॉस थीटा क्या रहा नेगेटिव, इसका मतलब क्या, ए डॉट बी क्या हो जाएगा जी बाबू, नेगेटिव। और ए डॉट बी अगर नेगेटिव रहा, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा होगा, थीटा, देख रहे हो, ये जो थीटा, थीटा यहीं से कंसीडर करना है, जीरो डिग्री है और ये कितना 90 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री, तो कहां पर लाई कर रहा होगा बताइए, यहां से इसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। मतलब इतना तो तय रहा कि अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो थीटा क्या रहा, एक्यूट एंगल, थीटा क्या रहा एक्यूट एंगल, थीटा क्या रहा जी, थीटा क्या रहा एक्यूट, 90 डिग्री पर तो जीरो हो रहा है ना, तो थीटा क्या रहा एक्यूट रहा होगा, थीटा क्या रहा होगा एक्यूट एंगल रहा होगा, एक्यूट एंगल समझते हैं आप लोग, जीरो से 90 डिग्री के बीच एंगल रहा होगा। अच्छा अगर कॉस थीटा स्मॉलर देन जीरो है, इसका मतलब क्या रहा होगा, थीटा ऑब्ट्यूज रहा होगा, क्या रहा होगा ऑब्ट्यूज एंगल रहा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, 180 डिग्री के बराबर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे थीटा कहां से कहां लाई करा बोलो, 90 डिग्री से, 90 डिग्री पे तो जीरो हो रहा है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, समझ रहे हो ये सब, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा वर्क एनर्जी वहां पे सब डिस्कस नहीं करूंगा, खुद ब खुद समझ आना चाहिए। अब थीटा अगर एक्यूट एंगल रहा है, इसका मतलब थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है,
बताइए, 0 डिग्री से लेकर के कहां तक? देख रहा समझ आया? तो कभी भी अगर ए डॉट बी पॉजिटिव होगा तो थीटा कहां से कहां लाई कर रहा होगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई कर रहा होगा कि नहीं? अगर थीटा 90 डिग्री रहा हो तो क्या होगा? 0। और थीटा अगर ऑफ पीज रहा हो तो थीटा कहां 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच रहा हो कि नहीं? बात समझ रहे हो ना? तो इस चीज को समझिएगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम कॉपी करो इसको। यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी देते हैं ना, यहाँ पे देखो साइन ऑफ इक्वालिटी नोट करके दो पॉइंट यहाँ लिखे। फर्स्ट नोट में लिखिए या फोर्थ का ए पॉइंट लिखिए। ए व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, whenever you are to find the angle between two vectors, take the dot product of them. Take the dot product of them. And cos theta will be given by what? A dot b upon what? अब यहाँ पे ये समझना, डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोला हूँ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल मत निकालना कभी ना, जरूरत नहीं। क्लियर? अच्छा सेकंड याद रखना, सेकंड नोट करके लिखिए। व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, when two vectors are mutually perpendicular to each other, their dot product is zero. Their dot product is zero. Their dot product is zero. मतलब a dot b क्या हो जाएगा? जीरो। कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बोल देगा, फर्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल, नोट करके लिखना ना, नोट कितना थर्ड ही लिख लो ना, फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर, फाइंड द मेड एंगल मेड बाय वेक्टर पी इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप फर्स्ट विथ एक्स एक्सिस डी विथ वाई एक्सिस C with Z axis, with Z axis. बताइए, find the angle made by vector P that is equals to A cap plus B J cap plus C K cap with X axis, with Y axis and with Z axis. Is it? देखो, ये origin है, ये क्या X है, ये क्या है Y है और ये क्या है Z. अब कोई एक लाइन है, कोई भी एक वेक्टर है, मान लेता हूं ऐसे ये वेक्टर पी है, क्या है ये, क्या है वेक्टर पी, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाता होगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा बाबू? आई कैप। वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर कौन सा कैप? और जेड एक्सिस कौन सा के कैप? एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है समझाने के लिए? अल्फा। x एक्सिस से कितना? अल्फा। y एक्सिस से कितना? बीटा। और z एक्सिस से कितना? गामा। तो आप बताइए, बताया हूं ना, क्या लेना है आपको? डॉट प्रोडक्ट, पहला a, cos अल्फा आप आराम से निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा बताइए? इसके अलावा यूनिट वेक्टर i कैप और ये वाला वेक्टर कौन सा है जी? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो क्या कर लीजिएगा बताइए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इट इज मेड टू डॉट विथ व्हाट? आई कैप मतलब वन आई कैप अपॉन क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना? वन ना। अरे यही ना बताया हूं, याद करो कॉस थीटा किसके बराबर है? ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो यूनिट वेक्टर भी तो वेक्टर ही ना है जी, तो डायरेक्ट निकल गया ना ओरली, क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या आ जाएगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा क्या?
कॉस अल्फा होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है? अगर कोई बोलता कॉस बीटा बताइए, कॉस बीटा क्या है, याद रहेगा है ना, विथ वाई एक्सिस, बीटा एंगल वाई एक्सिस से बनाया है ना, तो कॉस बीटा करते तो ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप इंटू क्या लिखते जे कैप, तो ऊपर क्या आता बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता क्या? कोई दिक्कत, डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख लोगे कि नहीं, दिक्कत हो रहा है? अगर कॉस गामा निकालना होता तो निकालते तो क्या आता सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता कि नहीं? तो तुम लोग को पढ़ना नहीं है लेकिन याद रखिएगा इसी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोला जाता है इसको? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आ रहा है क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइंस। कभी ऐसा लिखा रहेगा डीसीएस ना, कॉस अल्फा को निकनेम दिया जाता है, जैसे आप लोग का निकनेम होता है ना जी, स्कूल का नाम अलग और अलग का नाम अलग, जैसे इसका नाम क्या है, घर का नाम क्या है जी बाबू, आशीष, और आंसू बोलता होगा मम्मी लोग आंसू बोलती होगी ना, और ऐसे बाहर क्या शुभम राज प्रधान जो भी है, अरे है ना, तो इसका निकनेम एल बोला जाता है, इसका नाम एम और इसका निकनेम एन दिया जाता है, ठीक है? लेकिन इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो रिजल्ट याद रख लो, पूछ दिया है तो पूछ सकता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कीजिएगा तो वन नहीं आ जाएगा, देखो तो ए स्क्वायर अपॉन दैट ए स्क्वायर अपॉन दैट ए स्क्वायर अपॉन दैट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं आएगा तो वन वन आ जाएगा कि नहीं? तो नोट करके केवल ये दो रिजल्ट लिख लेना, उसके बाद काम खत्म। पहला बात क्या लिखोगे बताइए, फर्स्ट क्या रहा रिजल्ट, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? वन। कोई प्रॉब्लम करके देखो आ जाएगा ना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये देखो ना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा कीजिएगा तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना, ऐड करोगे तो आ जाएगा कि नहीं? अच्छा अब अगर बोला जाए आपसे कि साइन स्क्वायर के टर्म में बात कीजिए तो याद रखना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा टू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा को वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा को वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा थ्री माइनस वन, तो टू ही ना आएगा, तो पूछा जाता है इसलिए बता दिया गया है, ठीक है? इसको याद रखिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आ रहा है? ये रिजल्ट यूज कर रहा हूँ यार, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है ना, तो बताइए ना बाबू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो ना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इज इट? तो इतना याद रखना है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट का कुछ और बातें करेंगे अगले क्लास में ना, आज इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये समझ आया? घर पे जाके प्रैक्टिस करना है स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, हर तरह का क्वेश्चन अब आप लोग से बन जाएगा ना। कैन आई स्टॉप राइट नाउ?